अच्छा आपके बच्चों जैसे हम आपको पाठ पढ़ा रहे हैं धरातल के स्वरूप बदलने वाले कारक में जैसे बारिश कारक है, तो अभी तक हम आपको अपचय के बारे में बताए, आज हम आप लोगों को अपरदन के बारे में पढ़ाएंगे। इसके बारे में पढ़ें अपरदन पवन समुद्री लहरें हिमानी आदि सक्रिय चट्टानों में जोर शोर करती तथा परिवहन द्वारा एक ही उन्हें दूसरी जगह ले जाती हैं, तो इस क्रिया को अपरदन कहते हैं। इसमें कटाव और बहाव की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। अपरदन मानवीय क्रियाओं द्वारा भी होता है। गाँव कस्बों और नगरों का जैसे जैसे विकास होता है, तो गाँव या सड़कों के निर्माण की जमीन से वनस्पति साफ कर दी जाती है, जिसे भूमि की ऊपरी सतह मिट्टी बढ़ जाती है। यह अपरदन कहलाती है। अपरदन की गतिशील क्रिया है या अपचय से इसे भी अपरदन के लिए अपचय आवश्यक नहीं। दो क्रियाएँ एक साथ या अलग अलग हो सकती हैं। अपचय अपरदन के सहायक होता है, अपचय अपरदन के सहायक होता है, परंतु अपरदन का भाव नहीं है। आपने अनुभव किया होगा कि अधिक वर्षा होने के जल के साथ मिट्टी की ऊपरी परत भी बढ़ जाती है, या भी अपरदन की क्रिया जो मृदा का अपरदन कहलाती है। इसके द्वारा मिट्टी की उपजाऊ परत बढ़ जाती है। इसके रोकथाम के उपायों पर चर्चा की जा रही है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा? अपरदन मानवीय क्रिया करा रही है। अब हम लोग मिट्टी को निक्षेपण क्या है? निक्षेपण क्या? प्रवाहित जल द्वारा पवन समुद्री लहरों हिमानी शक्तियाँ हिमानी आदि शक्ति चट्टानों को पूर्ण करती है। पवन द्वारा जल पवन समुद्री और परिवहन कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से अपरदन करती है। कटाव बढ़ता है, इसमें कटाव और बहाव की प्रक्रिया शामिल होती है। अपरदन में क्या होती है? कटाव और बहाव की होती है। अपरदन मानवीय क्रियाओं द्वारा भी होता है, जैसे गाँव नगरों कस्बों का विकास होता है, तो भवन या सड़कों के निर्माण के जमीन फिर बृहस्पति से आपको जैसे भूमि सतह की मृत्यु कह जाती है, क्रिया को भी अपरदन कहते हैं। अपरदन में एक गतिशील क्रिया या अपचय से भिन्न है। अपरदन क्या है? अपचय से अलग है। अपरदन के लिए अपचय आवश्यक नहीं है, के लिए आवश्यक नहीं है। दोनों क्रियाएँ एक साथ अलग अलग हो सकती हैं। अपचय अपरदन के सहायक हो सकता है, परंतु अपरदन का भाग नहीं है। हमने निक्षेपण के बारे में पढ़ी थी। निक्षेपण अपरदन का परिणाम होता है। ढाल में कमी के कारण अपरदन के कारकों में वेग में कमी रहती है। निक्षेपण होता है वह अपरदन का परिणाम होता है। ढाल में कमी के कारण अपरदन के कारकों के वेग में कमी यदि इंजन द्वारा बहाकर लाए जा रहे मलबे का किसी स्थान पर एकत्रितकरण होना निक्षेपण कहलाता है। वर्षा का जल भूमि जल नदी पवन हिमानी सागरीय लहरें चट्टानों को कैसे अपराधित प्रवाहित जल का बहता और जल का बहता रूप नदी या सरिता कहलाता है। नदी का अपरदन कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। नदी का जो अपरदन कार्य होता है वो महत्वपूर्ण होता है। नदी का अपरदन कार्य नदी के धार जल की मात्रा वेग पर निर्भर करता है। इसे यमुना पर्वतीय भागों में अधिक अपरदन भागों में अधिक निक्षेपण होता है ना। नदियाँ उनके पर्वतीय ऊंचाई वाले भागों में ज़्यादा अपरदन करती हैं और ऊंचे मैदानी भाग और डेल्टाई भागों में ज़्यादा निक्षेपण करती हैं। नदियाँ अपरदन और एवं निक्षेपण द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं। आई नदी प्रबंधन नदी पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तली को काट कर उसे गहरा करती है, जिसे अनेरी क्यूबिक आकार की खाड़ी का निर्माण होता है। इसे भी आकृति की खाड़ी करते हैं। भी आकार की खाड़ी गहरी और सतही होती है, उसे गाज कहते हैं। जब भी आकार का इसके किनारे पेड़ ढाल होते हैं। भारत के हिमालय पर्वत में सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र के गाज जैसे भारत के हिमालय पर्वत में सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों के गाज क्या हैं? वो दर्शनीय हैं। हम जल प्रताप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
जब नदी के रास्तों में मुलायम चट्टानों की परत मिलती है, नदी नदी का जब मुलायम चट्टानों को जब गलती काट डालता है और जब कठिन चट्टाने मिलती है नदी का जब उन चट्टानों को गलती नहीं काट पाती। कटाव के इस अंतर का नदी की तलहटी ऊँची ऊँची हो जाती है। जब नदी का जब ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है, ऊंचाई की खड़ी नीचे की इसे जल प्रताप कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रताप दक्षिण अमेरिका के ब्रेरा के भाई प्रथम जल प्रताप ने अस्त्रावती नदी पर जोर कावेरी नदी पर शिव समुद्र नर्मदा नदी पर कपिल धारा एवं धुआंधार आदि पर भारत के प्रमुख जल प्रताप पर्वतीय भाग में उन्होंने जब नदी नीचे से मैदानों में उतरती है तो उसकी गति मैदानों के ढाल पर कम होने मान धीमी पड़ जाती है। नदियाँ सीधे मार्ग पर न चलकर टेढ़े मेढ़े रास्तों पर बहने लगती हैं। इन टेढ़े मेढ़े रास्तों को भी सड़क कहते हैं। पर्वतीय भाग से जब नदी नीचे मैदानों में उतरती है तो उसकी गति मैदानों के ढालों में कम होने मान धीमी पड़ जाती है। नदियाँ सीधे मार्ग पर न चलकर टेढ़े मेढ़े रास्तों में नदी के सागर के गिरने से पहले उसकी बहने की गति अधिक धीमी पड़ जाती है। इसका नदी के मलबे का निक्षेपण होने लगता है। नदी को इससे डेल्टा का निर्माण होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा जो है वो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगर बच्चों कल के पाठ में भूमिगत जल और श्रीमानी पवन बालिका स्कूल चक्रशिला और समुद्री लहरों के बारे में पढ़कर आपको पढ़ा करके आपको पाठ सुना।